मध्य प्रदेश भारतीय कलाकार संघ दतिया के तत्वाधान में चित्रकार पेंटर मूर्तिकार की विभिन्न मांगों को लेकर नवीन कलेक्ट्रेट ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन भारतीय कलाकार संघ के राष्ट्रीय संयोजक अंकुर पेंटर के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि फ्लैक्स हटाओ कला बचाओ, चुनाव प्रचार में फ्लैक्स बैनर पर रोक एवं शहरों में वॉल पेंटिंग पर टैक्स हटाया जाए और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार पेंटिंग द्वारा कराया जाए। ये हमारे पेंटर चित्रकार मूर्तिकार इनकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। बहुत ज़्यादा आजकल परेशानी हो चुकी है, इनको कहीं भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे सरकार भी पॉलीथन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सिंगल प्लास्टिक से निर्मित फ्लैक्स का उपयोग कर रही है सरकार भी। हर कार्यालय में फ्लैक्स लगाया जा रहा है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। सीधा सीधा अगर टेंडर भी है तो सीधा ठेकेदारों को जा रहा है, पेंटिंग का पेंटरों तक पहुंच ही नहीं रहा है। बहुत सारी समस्याएं हमारी, इसीलिए भारतीय कलाकार संघ के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूं और आज पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। आज ही के समय हर जिले मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर हमारी मांगों को स्वीकारा नहीं गया तो हम आज मध्य प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश के कलाकार एकत्रित होकर भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय कलाकार संघ के तत्वाधान में 16 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, दतिया।